बीते कोरोना काल से लेकर अभी तक जब कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है और अब भी लोग इसके चपेट में आने से नहीं बच पा रहे हैं। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम गुरनाम सिंह है, वह लगातार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहकर उनके यहाँ निःशुल्क सैनिटाइजिंग का कार्य कर रहा है। ये है गुरनाम सिंह, जिन्होंने आज के इस विषम परिस्थितियों में भी मानवता का दामन नहीं छोड़ा है। बीते कोरोना काल से लेकर अब तक गुरनाम सिंह लगातार कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद एक अनोखे अंदाज से करते आ रहे हैं। गुरनाम सिंह छत्तीसगढ़ सिख पंचायत में महासचिव के पद पर भी आसीन हैं और उस पद की गरिमा भी ये बनाए रखते हैं। गुरनाम सिंह कोरोना पीड़ितों एवं धार्मिक स्थलों सहित सार्वजनिक स्थलों पर जिले के लगभग सभी थानों में भी कोरोना के खतरे को खत्म करने के लिए निःशुल्क सैनिटाइजिंग सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। कई बार इन्हें फोन भी आते हैं और यह निकल पड़ते हैं उस परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए। कोका स्थित गुरुद्वारा बुड्ढा साहिब के मुख्य ग्रंथी भी कोरोना के शिकार हो गए और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, परंतु उसके बाद से गुरुद्वारे में किसी का भी आना जाना वर्जित कर दिया गया था। और अब जब गुरनाम सिंह ने वहां पहुंचकर पूरे गुरुद्वारा परिसर और ग्रंथी कक्ष सहित पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया है, तो अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा गुरुद्वारे में अपना माथा टेकने आने के लिए इजाजत दे दी गई है। गुरुद्वारा कोका बाबा बुड्ढा साहब जी से, जो हमारे मुख्य ग्रंथी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उस जिस दिन से पता चला है उस दिन से हमने यहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। अब हमारे सिख पंचायत के मुख्य गुरनाम सिंह जी आए हुए हैं, जिन्होंने निःशुल्क अपने सैनिटाइज किया है और इसके बाद वो हम यहाँ गुरुद्वारा साहब में अपनी जो भी डेली की रूटीन है वो कर सकते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सिख पंचायत का भी धन्यवाद करते हैं और सारी संगत का भी धन्यवाद करते हैं। और अपने आप को बचा के रखना है, ये हमारी एक दिल से ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अब आप हमारे यहाँ गुरुद्वारे में आ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, जैसा नित्यनेम चलता है वैसा कर सकते हैं। धन्यवाद। हमने गुरनाम सिंह से भी यह जानना चाहा कि वे किस तरह से इस खतरनाक परिस्थितियों में भी निडरता से ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं और उनके परिवार का किस तरह से सहयोग मिल रहा है। आप भी सुनिए ये क्या कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना महामारी को लेकर एक भयानक जो बीमारी है चल रही है, उसी को देखते हुए जो गुरुओं की शिक्षा थी हमारे गुरुनाम देव जी द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, उसी शिक्षा के उद्देश्य से हम यह सेवा दे रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना, उन्हें कोरोना के बारे में जानकारी देना और सैनिटाइज करना ताकि वह सुरक्षित रह सके, ये हमारा मकसद है। और यहाँ पर मैं आज आया हूँ बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा, पता चला कि यहाँ जो ग्रंथी साहिब हैं ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सुबह इनका फ़ोन आया था तो यहाँ पर आकर मैंने सैनिटाइज किया है। और ग्रंथी साहब तो इस वक्त हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं और यहाँ पर सैनिटाइज किया और इन्हें भी संतुष्ट कर दिया गया है कि आगे जो नित्यनेम जो प्रोग्राम रेगुलर करना चाह रहे हैं अब कर सकते हैं। और मैं समय समय पर फिर आकर सैनिटाइज करूँगा, जो मेरी सेवा है वो मैं यहाँ पर दूँगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि सबको जागृत करना, कोरोना के बारे में जागृत करना, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि इतना होने के बावजूद भी फिर लोग इसके हल्के में ले रहे हैं। और शादी सर्दी जुकाम और जो कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, सांस रुकने कोई भी ऐसा है, तो उससे जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये उद्देश्य है कि इससे अपना बचाव करें। बीमारी है, आपने देखा है कि हम कितने लोग चले गए। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप जिन लोगों के बीच जा रहे हैं आप भी कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, आप पर भी विपदा आ सकती है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर जिनके ऊपर गुरु का उपदेश हो, जिनके साथ गुरु की शिक्षाएं हो, उन्हें किस बात का डर है? और हम उनकी शिक्षाओं लेके चल रहे हैं। देखो जो जन्म उन्हीं ने दिया है सब कुछ तो उसी का है, तो वही चीज़ मान के चलते हैं। जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, गुरु जी करवा रहे हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मैं अपने परिवार वालों को, मुख्यतः मैं अपनी धर्मपत्नी को श्रेय देता हूँ, क्योंकि जब मैं शाम को अभी घर जाऊँगा तो उनके द्वारा जैसे मेरा बाहर ही पूरे व्यवस्था की जाती है, गर्म पानी की और कपड़ों की बिजाई, उन्हें धोते हैं पूरा कपड़ा उपड़ा और एकदम मुझे दो बार तकरीबन नहाना पड़ता है। तो मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को जो श्रेय मैं अपनी धर्मपत्नी को देता हूँ और मैं परिवार वालों को भी देता हूँ कि जो मुझे इस चीज़ को सेवा करने के लिए मुझे और ज़्यादा प्रेरित करते हैं, और उन्हीं की और बाकी गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुरनाम सिंह, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत महासचिव। मानव सेवा ही माधव सेवा है को चरितार्थ करते हुए गुरनाम सिंह लगातार समाज, देश और दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि एक मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। और रही बात खतरे की, तो वह सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर आपके सभी कर्मों का हिसाब बखूबी कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।